हमारा ब्रेन सिक्योर पासवर्ड्स का एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है, पर हमें अब कोई भी पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो पासवर्ड्स का फ्यूचर है। हम बात करेंगे ब्रेन वेव्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड यू गाइस आर वॉचिंग द ट्रेंडिंग टेक। पासवर्ड्स या फिर पिंस जिसमें लेटर्स या नंबर्स होते हैं वो आसानी से हैक किए जा सकते हैं, याद रखने में मुश्किल होते हैं और इनसिक्योर भी होते हैं। पर अब कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और भी कई सारे गैजेट्स में नॉर्मल लॉगिन के लिए भी फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन और रेटिना स्कैनिंग जैसे बायोमेट्रिक्स का यूज़ होने लगा है। ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि इनकी नकल करना मुश्किल है और ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होते हैं। बट बायोमेट्रिक्स की भी एक क्रूशियल वल्नरेबिलिटी होती है, क्योंकि इंसान के पास बस एक ही फेस होता है, इसलिए अगर एक बार उन्होंने पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ की तो वो दोबारा उसे रीसेट नहीं कर सकते। यूज़र नेम और पासवर्ड्स की तरह ही बायोमेट्रिक्स भी डेटा ब्रीच जैसे प्रॉब्लम से इनसिक्योर हैं। 2015 में एक डेटाबेस जिसमें 5.6 मिलियन US फेडरल एम्प्लॉयज़ के फिंगरप्रिंट्स थे, उसे ब्रीच किया गया था। इसलिए अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया है जो आपके ब्रेन वेव्स का यूज़ करेंगे आपके पासवर्ड के लिए। जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को देखता है या सुनता है तो उनका ब्रेन कई तरीकों से रिस्पॉन्ड करता है, जिन्हें साइंटिस्ट एक इलेक्ट्रिकल सेंसर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इस रिसर्च से ये पाया गया कि हर एक इंसान किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए अगर कोई दो व्यक्ति एक ही चीज़ को देखते हैं तो भी उनका ब्रेन एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता। इन्हीं बिहेवियर्स को देखते हुए रिसर्चर्स ने इसका यूज़ ब्रेन पासवर्ड बनाने के लिए करने का सोचा। ब्रेन वेव्स किसी इंसान के बॉडी की सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं होती, बल्कि ये इंसान की यूनिक बायोलॉजिकल ब्रेन स्ट्रक्चर और उनकी इनवॉलेंट्री मेमोरी का मिक्सचर होती हैं, जो ये डिटरमाइन करती हैं कि उनका ब्रेन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है। किसी इंसान का ब्रेन पासवर्ड किसी इमेज की सीरीज़ को देखते हुए उनके ब्रेन एक्टिविटी का डिजिटल रीडिंग होगा। जैसे पासवर्ड्स में लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स का यूज़ करने पर वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं, वैसे ही ब्रेन पासवर्ड में यदि इमेजेस की सीरीज़ को देखते वक्त होने वाली ब्रेन एक्टिविटी की रीडिंग शामिल हो तो वो और भी ज़्यादा सिक्योर होंगे। पासवर्ड सेट करने के लिए पहले उस इंसान को किसी दूसरे तरीके से ऑथेंटिकेट किया जाएगा, जैसे पासपोर्ट के बेसिस पर या फिर फिंगरप्रिंट के बेसिस पर। देन उन्हें एक पैडेड हेलमेट पहनाया जाएगा जिनमें इलेक्ट्रिकल सेंसर्स लगे होंगे। फिर एक मॉनिटर में उन्हें कुछ इमेजेस दिखाए जाएंगे और इमेजेस देखते वक्त ये सेंसर्स उस इंसान के ब्रेन वेव्स की रीडिंग को रिकॉर्ड करते जाएंगे। इस रिसर्च में ये कंफर्म किया गया है कि पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन ऐसी ब्रेन वेव्स की रीडिंग को इवोक करेगा जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक होगी और हर एक लॉगिन अटेम्प्ट में कांस्टेंट होगी। वैसे तो ब्रेन पासवर्ड को हैक करना लगभग नामुमकिन है, पर अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके किसी इंसान के ब्रेन सिग्नल्स को हैक कर भी लिया तो ये पासवर्ड उसी वक्त से किसी काम के नहीं रहेंगे और वो इंसान अपना ब्रेन पासवर्ड दूसरे इमेजेस के थ्रू चेंज भी कर सकता है। ब्रेन पासवर्ड्स एंडलेसली रीसेटेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ इमेजेस के कई सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं जिनके लिए ब्रेन वेव्स के भी डिफरेंट सिग्नल्स होंगे। तो आज के इस दौर में जहाँ ऑनलाइन सिक्योरिटी का, डेटा ब्रीचिंग का खतरा काफ़ी ज़्यादा है और हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स आजकल ऑनलाइन डेटाबेस पर ही होते हैं, तो ऐसे में इस तरह के सिक्योरिटी टेक्निक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। See you guys in the next video.